दीपावली का मौका है, ऐसे में देश भर में लोग इस त्यौहार की खुशियों को मनाने में जुटे हुए हैं। धनतेरस के मौके पर देश भर में लोग खरीदारी के लिए निकले। लोगों ने इस मौके पर सोने चांदी की जमकर खरीदारी की। ग्राहकों से बाजार गुलजार नजर आए। इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। धनतेरस के मौके पर देश भर में दरअसल बंपर खरीदारी हुई। जो हमें जानकारी मिल रही है, कुल 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। देश भर में 20,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है और 2500 करोड़ रुपए की चांदी भी लोगों ने खरीद ली। तो धनतेरस के मौके पर जबरदस्त खरीदारी हुई है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार देश भर में हुआ है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए का तो लोगों ने सोना खरीदा, जबकि लगभग 2500 करोड़ रुपए की चांदी भी खरीदी गई। धनतेरस के मौके पर देश भर में बंपर खरीदारी। तो त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से बाजारों में रौनक है, भीड़ भाड़ हर तरफ नजर आ रही है। और धनतेरस एक ऐसा मौका होता है जब लोग खरीदारी करते हैं, इसका अपना महत्व होता है, इसे शुभ माना जाता है। तो देश भर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है इस मौके पर। तो व्यापारी भी बहुत गदगद हैं, खुश हैं, जिस तरीके से जबरदस्त बिक्री हुई। तो धनतेरस का मौका, देश भर में बंपर खरीदारी हुई, इससे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस क्लास है, वो बहुत खुश है। कुल 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है कि देश भर में अगर बात की जाए तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लोगों ने सोना खरीदा है, यानी गोल्ड की जो खरीदारी हुई उसकी कीमत आकी जा रही है 20,000 करोड़ रुपए। यही नहीं, लगभग 2500 करोड़ रुपए की तो लोगों ने चांदी भी खरीदी है। यानी बाजार में रौनक है, हर तरफ गुलजार है और बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले इस बार खरीदारी के लिए। तो धनतेरस एक ऐसा मौका जबकि खरीदारी को बहुत शुभ मानते हैं लोग, कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और जो खरीदारी इस बार हुई उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने गोल्ड भी खरीदा है, सोने की खरीदारी हुई है और चांदी भी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी गई। देश भर की बात हम कर रहे हैं। धनतेरस पर जो बंपर खरीदारी हुई वो देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है 2023 का और 2024 का, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ज्यादा व्यापार इस बार हुआ है। 23 में 50,000 करोड़ पर यह आंकड़ा था और 2024 में 60,000 करोड़ रुपए। तो धनतेरस पर बंपर खरीदारी हुई। जो विक्रेता हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा लोग उन तक पहुंचे। 2023 से 2024 की तुलना की जाए तो ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिला है व्यापार में, जिसमें से लगभग 2500 करोड़ रुपए की तो लोगों ने चांदी भी खरीदी। तो धनतेरस के मौके पर देश भर में बंपर खरीदारी हुई है। हालांकि सोने में इस बार महंगाई की मार है, इसलिए पिछले साल की तुलना में सोने की सिर्फ अगर बात की जाए गोल्ड की तो थोड़ी सी खरीदारी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग बाजार में गए, दुकान में गए, भीड़ भाड़ हर तरफ नजर आ रही थी, चाहे बड़े महानगर हों, छोटे गांव हों, कस्बे हों। क्योंकि धनतेरस का मौका बहुत शुभ माना जाता है और हर इंसान, हर व्यक्ति कोशिश करता है जो भी उसका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी करके घर में लाता है। और ये देखिए आपके सामने एक बार फिर से वो आंकड़ा जिसका मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था। 2023 और 24 की अगर हम तुलना करें पिछले एक साल में, तो इस बार धनतेरस के मौके पर 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा व्यापार हुआ। पिछली बार 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और इस बार यह आंकड़ा पहुंच गया है 60,000 करोड़ रुपए पर। हालांकि हर तरफ महंगाई की मार है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसके बावजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला है। तो धनतेरस पर जो बंपर खरीदारी हुई उसके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है, ऐसे में मुंबई में भी धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले। यहां ज्वेलरी शॉप पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। दुकानदारों का भी कहना है कि ज्यादातर युवा महंगे फोन और दूसरी चीजें छोड़कर सोने में ज्यादा इस बार इन्वेस्ट करते नजर आए हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में मौजूद हैं। भले सोना जो है 80,000 के आसमान को छू रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों की कोई कमी नहीं है, बाजार में रौनक वैसी ही है और दुकानदार इस बात से खुश हैं कि भले सोना 80,000 के करीब है लेकिन ग्राहक जो है उतनी ही उत्सुकता यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद, क्या कहेंगे, 80,000 का सोना है लेकिन त्यौहार मना रही है।
सोना बढ़ रहा है लेकिन खरीदना तो है ही, सोने तो शौक है, सोना खरीदना है। हम कुछ चेन्स तो ले रहे हैं लेकिन गोल्ड कॉइन्स भी खरीद रहे हैं। क्या कहेंगी आप भी खरीदारी के लिए आई हैं, सोना 80,000 के करीब है फिर भी खरीदारी कि सोने की जो लहर है वो बाजार में देखने मिल रही है। कुमार जी हमारे साथ है, कुमार जी मशहूर हैं आप झवेरी बाजार में, क्या कहें? इतने सोना भाव पे आसमान पे है, सोना 82,000-83,000 हो चुका है लेकिन लोगों की उत्साह बढ़ा हुआ है, लोगों का और डेफिनेटली सोना बहुत आगे जाएगा। ये सब देखते हुए लोगों के दिमाग में बैठ गया कि नहीं सोना जरूरी है लेना, इसलिए लोग रेगुलर ले रहे हैं। 1,00,000 के पार जाएगा सोना? बिल्कुल 1,00,000 के पार चला जाएगा सोना, सोना 1,00,000 नहीं उससे भी ज्यादा जाएगा। सोना बताएं कि अभी क्या कीमत चल रही है बाजार में इसकी? इस समय 83,000 है। अच्छा, देखिए 2,00,000 जी, कोई भी हालत ऐसा जाएगा ऐसा अनुमानित है, तो यही लोगों का अनुमान है। अभी अच्छी बात है मिलेनियम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इन्होंने मोबाइल छोड़ दिया, लैपटॉप छोड़ दिया, ज्वेलरी ले रहे हैं क्योंकि इनको विश्वास होगा कि नहीं ज्वेलरी से ही फायदा होगा। दरअसल जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ये बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। दुनिया भर में जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, कई देशों के बीच युद्ध की स्थिति है, ऐसे में लोग बहुत ज्यादा जो पारंपरिक निवेश माना जाता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी वजह इस बार हो सकती है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोने की खरीदारी की है। चांदी की भी खरीदारी हुई है लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की। तो वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है, जिस तरह की अस्थिरता नजर आ रही कई जगहों पर, एक बड़ी वजह है कि लोग इस बार गोल्ड में निवेश करते हुए नजर आए। तो धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, जमकर खरीदारी हुई, बाजारों में रौनक नजर आई। ये हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है अपने क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी वो धनतेरस पर करता है। और एक बार फिर से वो आंकड़ा आपके सामने, देखिए 60,000 करोड़ रुपए का उछाल इस बार देखने को मिला है। ABP News आपको रखे आगे।